हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके टू एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स, जो कि सितंबर 2021 से रिलेटेड होने वाला है। फ्रेंड्स, इस करंट अफेयर में हम सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। जो क्वेश्चंस सितंबर में पूछे गए, जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले, उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियोज़ के अंदर में हम देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं, सो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही हम सपोर्ट करते रहिए, ताकि आगे भी हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ ला सकें। चलिए वीडियोज़ की शुरुआत करते हैं, लेट्स सी द वीडियो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स, जो कि सितंबर का है। वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट 18,600 फीट ओपन्स इन 18,600 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड खुलती है, वो कौन सी है फ्रेंड्स? तो वो है हमारी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर टू, लद्दाख। ऑल्सो एक्सप्लेन आप देख सकते हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट जो कि मोटरेबल रोड कनेक्टिंग करता है लेह टू द पैंगोंग लेक वाज इनॉग्रेटेड ऑन अगस्त जो कि 31, 2021 को बना। लद्दाख एमपी जामयांग टेस्टिंग नामग्याल द रोड कंसेंट्रेटेड बाय द इंडियन आर्मी हैज बीन टर्म्ड एज ए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स पंजाब के न्यू मुख्यमंत्री के तौर पर? सो फ्रेंड्स, वो है हमारे ऑप्शन नंबर थ्री, चरणजीत सिंह चानी। ऑल्सो एक्सप्लेन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चरणजीत सिंह चानी अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर रिकग्नाइजेशन ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह हैज रिजाइन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, हैज सबमिटेड, जिन्होंने सबमिट किया रिकग्नाइजेशन लेटर। किसे सबमिट किया फ्रेंड्स? तो वो है हमारे पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। और किस दिन किया फ्रेंड्स? तो वो हमारे सितंबर 18, 2021। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे। उन्होंने सबमिट किया अपना रिकग्नाइजेशन बनवारी लाल पुरोहित को, जो कि डेट था 18 सितंबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष नरवाल हैज ओन गोल्ड इन विच इवेंट फॉर इंडिया एट द टोक्यो पारा ओलंपिक? मनीष नरवाल ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए किस स्पोर्ट में स्वर्ण पदक जीता है? किसमें स्वर्ण पदक जीता है फ्रेंड्स? तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर फोर, शूटिंग में मनीष नरवाल ने ओन गोल्ड मेडल जीता। ऑल्सो एक्सप्लेन आप देख सकते हैं, इंडियन पारा शूटर मनीष नरवाल हैज क्लेम गोल्ड मेडल इन द P4 मिक्स 50 mm पिस्टल, जो कि SH1 है, फाइनल एट टोक्यो पारा ओलंपिक 2020 ऑन सितंबर 4, 2021 को, जो कि सितंबर 4, 2021 को। द 19 ईयर ओल्ड मनीष, उनका उम्र 19 ईयर ओल्ड मनीष, स्कोर 218.2 points टू विन गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमोद भगत हैज ओन अ गोल्ड मेडल एट द टोक्यो पारालंपिक इन विच इवेंट? प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक में किस स्पोर्ट में स्वर्ण पदक जीता है? किसमें स्वर्ण पदक जीता है फ्रेंड्स प्रमोद भगत ने? सो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर वन, बैडमिंटन में जीता है प्रमोद भगत ने ओन गोल्ड मेडल। ऑल्सो एक्सप्लेन आप देख सकते हैं, इंडियन शटलर प्रमोद भगत क्रिएटेड हिस्ट्री एज ही ओन अ गोल्ड मेडल इन द मेन्स सिंगल बैडमिंटन, जो कि SL3 फाइनल मैच था, जो कि ऑनगोइंग टोक्यो पैरालंपिक ऑन सितंबर 4, 2021। डेट क्या था फ्रेंड्स? सितंबर 4, 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन स्क्वैश फेडरेशन ASF? एशियाई स्क्वैश फेडरेशन ASF के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ASF के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर वन, एक्सप्लेन कोरिश पोंचा। ऑल्सो एक्सप्लेन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SRFI सेक्रेटरी जनरल कोरिश पोंचा हैज बीन अनएमोसली इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन स्क्वैश फेडरेशन ASF ऑन सितंबर 4, 2021 ड्यूरिंग द 41st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ASF। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन ओन बाई इंडिया एट द टोक्यो पैरालंपिक 2020? टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कितने पदक जीता है फ्रेंड्स? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर थ्री, 19 मेडल्स। ऑल्सो एक्सप्लेन देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, इंडिया फिनिश देयर कैंपेन एट द टोक्यो पैरालंपिक 2020 विन एट द ऑल टाइम हाई 19 मेडल्स, विच इंक्लूडेड 5 गोल्ड मेडल, जिसमें 5 गोल्ड मेडल था फ्रेंड्स, 8 सिल्वर मेडल था एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल था। इंडिया इज प्लेस एट द 24th पोजिशन इन ओवरऑल मेडल टॉली आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 162 नेशंस में इंडिया का पोजिशन 24th था, जो कि टीम चाइना हैज टॉप एट द फाइनल मेडल टैली एट द टोक्यो पैरालंपिक गेम्स। द कंट्री ओन अ देख सकते हैं द कंट्री ओन अ टोटल ऑफ 207 मेडल एंड 96 गोल्ड मेडल जीता उन्होंने, 60 सिल्वर मेडल एंड ऑल्सो 51 ब्रॉन्ज मेडल टीम चाइना ने टोक्यो ओलंपिक्स पैरालंपिक गेम्स में, जो कि उन्होंने 207 गोल्ड मेडल जीता एंड 96 गोल्ड मेडल, 60 सिल्वर एंड 51 ब्रॉन्ज मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इंडक्टेड एज ऑनरी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मान
सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? पहले भारतीय कौन बने? फर्स्ट इंडियन टू इंटीग्रेटेड हॉनरी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। सो वो है फ्रेंड्स हमारे ऑप्शन नंबर 4, डॉर्जी एंगुच। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, डॉर्जी एंगचुक हैज इंजीनियर इन चार्ज एट द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स AIIA एट हैनली इन लद्दाख रीजन हैज बीन एडमिटेड एज ए ऑनरी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी विल पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज झापड़ 2021 हेल्ड इन विच कंट्री? भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास झापड़ 2021 में भाग लेगी? भारतीय सेना आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास झापड़ में 2021 में कब भाग लेगी? विच पार्टिसिपेट किसके साथ में? सो फ्रेंड्स, वो है हमारे ऑप्शन नंबर 2, रसिया के साथ। ऑल्सो एक्सप्लेन, देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी विल पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज जो कि झापड़ 2021 ए मल्टी नेशनल एक्सरसाइज बिंग हेल्ड एट द निजंग इन रसिया फ्रॉम 3 से 16 सितंबर को होना है, जो कि झापड़ 2021 इज वन ऑफ द थ्रेटर लेवल एक्सरसाइज ऑफ द रशियन आर्म फोर्सेस एंड विल फोकस प्राइमरीली ऑन ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिस्ट इन ऑल 17 कंट्रीज आर पार्टिसिपिंग इन झापड़ इंक्लूडिंग कौन कौन सी कंट्री है फ्रेंड्स, जो कि 17 है, वो है हमारी मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रशिया, इंडिया एंड बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? क्या है भारत का रैंक फ्रेंड्स 2021 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? सो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 46। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं, इंडिया हैज बीन रैंक एट द 46th प्लेस इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो कि रिलीज हुआ बाई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO। स्विट्जरलैंड हैज टॉप्ड एट द रैंकिंग इनिशियली। प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO जो कि स्विट्जरलैंड जो है इस सूची में सबसे फर्स्ट पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च अ ड्रोन बेस्ड अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट नेम्ड हरा भरा? किस राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वनस्पन परियोजना शुरू की है? सो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 3, तेलंगाना ने। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ ड्रोन बेस्ड अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट जो कि नेम्ड हरा भरा है। द स्टेट हैज पार्टनर्ड विथ मॉरट ड्रोन्स हैदराबाद बेस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप टू लॉन्च द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज ऑन द F1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021? किस खिलाड़ी ने F1 डच प्रिक्स फ्री 2021 जीता है? किस खिलाड़ी ने जीता है फ्रेंड्स? तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर 2, मैक्स वर्स्टेपेन। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैक्स वर्स्टेपेन रेड बुल नेदरलैंड्स हैज ओन द फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो कि हेल्ड हुआ ऑन सितंबर 5, 2021 को। लेविस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेनियन केम सेकेंड वाइल वेलेट्री बोथ्स विच मेरेसिट्स फाइनलैंड किम थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल हैज इंक मॉव विथ विच कंट्री फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 14 कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट? नेपाल ने 14 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वो कौन से है फ्रेंड्स? तो वो हमारी है ऑप्शन नंबर 4, इंडिया। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंडिया एंड नेपाल हैव साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग मॉ फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 14 कल्चरल हेरिटेज जो कि प्रोजेक्ट ऑफ 103 हेल्थ सेक्टर जो कि बनेगा इन नेपाल विच गॉट डैम ड्यूरिंग द 2015 अर्थक्वेक के अकॉर्डिंग जो डैमेज हुआ था उसके अकॉर्डिंग देखकर 103 हेल्थ सेक्टर जो कि प्रोजेक्ट बने जिसमें इंडिया साथ देगा नेपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे इन इंडिया इज सेट टू बी इन विच नेशनल हाईवे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे किस राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे अच्छे से। सो फ्रेंड्स, भारत में दुनिया का सबसे लंबा जो कि एक्सप्रेसवे है किस राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थापित किया गया है? किस राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थापित किया फ्रेंड्स? तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 13 का 3, दिल्ली एंड मुंबई। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, द कंस्ट्रक्शन फॉर अ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे इन अंडरवेज एट द पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फोर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो नितिन गडकरी हैं ही अनाउंस द 17 सितंबर को उन्होंने अनाउंस किया जो 21 में डेट द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे विल रीच इट्स कंप्लीशन ऑफ मार्च 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। स्पीकिंग एट इवेंट के दौरान उन्होंने गडकरी ने कहा था द एक्सप्रेस वे विल बी 1380 किलोमीटर जो कि लॉन्ग रहेगा विल बी गो अप टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT बट डिस्टेंस बिटवीन टू दिल्ली टू मुंबई हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ट्रक के अकॉर्डिंग 12 से 13 घंटे बाई कार के अकॉर्डिंग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज ऑन द एशियन स्नॉकर चैंपियनशिप 2021? एशियन स्नॉकर चैंपियनशिप 2021 किस खिलाड़ी ने जीता है 2021 ओशियन स्नॉकर चैंपियनशिप? तो वो फ्रेंड्स है हमारे ऑप्शन नंबर 1, पंकज अडवाणी। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पंकज अडवाणी ऑफ इंडियन ओन द एशियन स्नॉकर
स्नूकर चैंपियनशिप 2021 बाई डिफेक्टिंग अमीर सरखोश ही ओन इन द बेस्ट ऑफ 11 फ्रेंड्स फाइनल. पंकज अडवाणी हैज ओन दिस टाइटल फॉर अ सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम. ही इज द विनर ऑफ द लास्ट एशियन स्नूकर चैंपियन इन हेल्ड इन 2019 में. ऑफ द लास्ट एशियन जो कि स्नूकर चैंपियनशिप था जो कि हेल्ड था 2019 में. ही इज द विनर ऑफ द लास्ट एशियन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेड आउटलुक इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर बाई ग्लोबल ट्रेड आउटलुक में के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा. सो फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 2050 तक अकॉर्डिंग टू ग्लोबल आउटलुक में 2050 तक. ऑल्सो एक्सप्लेन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स. इंडिया पोज्ड टू बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट जो कि इम्पोर्टर बाई 2050 विथ अ 5.9% शेयर ऑफ ग्लोबल इम्पोर्ट जो कि फॉलोइंग चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट यूएस अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट बाई द यूके डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ विच कंट्री नाटो हैज बिगन कंडक्टिंग रैपिड ट्राइडेंट 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज. नाटो ने किस देश के साथ रैपिड ट्राइडेंट 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया है. नाटो ने किस देश के साथ. सो फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यूक्रेन के साथ आप देख सकते हैं यूक्रेन के साथ. ऑल्सो एक्सप्लेन. यूक्रेन बींग ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद द यूनाइटेड स्टेट एंड अदर नाटो फोर्सेज ऑन सितंबर 20, 2021 को. दिस मिलिट्री एक्सरसाइज इज बींग कंडक्टेड दैट टाइम ड्यूरिंग जबकि विच नेबरिंग कंट्रीज रशिया द रैपिड ट्रेंड 2021 एक्सरसाइज विल कंटिन्यू अंटिल अक्टूबर 1. विच स्टेट हैज ओन द FSSAI स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो कि SFSI 2020-21 इन लार्ज स्टेट कैटेगरी. किस राज्य ने बड़े राज्य श्रेणी में FSSAI का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक FSFSI 2020-21 जीता है. किस राज्य ने. सो वो फ्रेंड्स है हमारे ऑप्शन नंबर 3 गुजरात ने जीता है. विच स्टेट ऑन द FSSAI स्टेट फूड तो गुजरात है फ्रेंड्स. ऑल्सो एक्सप्लेन आप देख सकते हैं. द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मंदवेरा रिलीज एट द थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो कि FSSAI ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ऑन सितंबर 20. टॉप 3 स्टेट जो कि लार्जर स्टेट कैटेगरी में वो आते गुजरात केरला एंड ऑल्सो तमिलनाडु. जो कि टॉप 3 स्टेट इन स्मॉलर स्टेट कैटेगरी में आते वो है फ्रेंड्स गोवा मेघालय एंड मणिपुर. एंड द टॉप 3 जो कि यूनियन टेरिटरीज में जो आते फ्रेंड्स वो है हमारे जम्मू कश्मीर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड ऑल्सो दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अप्रूव टू सेट अप द इलेक्ट्रॉनिक पार्क इन विच ऑफ दीज रीजन्स. उत्तर प्रदेश सरकार ने इनमें से किस श्रेणी में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने. सो वो फ्रेंड्स है हमारा ऑप्शन नंबर 3 नोएडा में. ऑल्सो एक्सप्लेन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट हैज बीन चीफ मिनिस्टर प्रपोजल टू डेवलप एन इलेक्ट्रॉनिक पार्क. द पार्क इज प्रपोज टू बी डेवलप्ड इन एन एरिया ऑफ 250 acres ऑफ द नियर ज्वार एयरपोर्ट. द न्यू इलेक्ट्रॉनिक पार्क विल बी बिल्ड एट द इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 50,000 crore एज वेल एज जनरेट एम्प्लॉयमेंट 4,000 ऑफ लोकल यूथ्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री होस्टेड द 6th एडिशन ऑफ SCO एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021. किस देश ने SCO व्यायाम शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6th संस्करण की मेजबानी की. तो किसने की फ्रेंड्स. तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 3 रशिया ने. ऑल्सो एक्सप्लेन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स. द 6th एडिशन ऑफ SCO एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021 होस्टेड बाई रशिया स्टार्टेड एट ओरेनबर्ग रीजन ऑफ साउथ वेस्ट रशिया. द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू प्रमोट क्लोज रिलेशन बिटवीन SCO मेंबर्स स्टेट एंड टू इनहेंस एबिलिटीज ऑफ द लीडर्स टू कमांड मिलिट्री कंटिजेंट्स. एंड इंडियन मिलिट्री कॉन्सिडेंट विद ऑल आर्म्स कंबाइंड फोर्सेज दो शो पर्सनल फ्रॉम इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपिंग इन द एक्सरसाइज. इंडियन आर्मी एंड ऑल्सो इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपिंग इन द एक्सरसाइज. 200 पर्सनल इंडियन मिलिट्री कंटिन्यू कंबाइंड फोर्सेज 200 जो कि पर्सनल फ्रॉम इंडियन आर्मी एंड ऑल्सो इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपिंग इन दिस एक्सरसाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन. वट इज द ऑफिशियल मोटो ऑफ द बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक. बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है. तो क्या है फ्रेंड्स. तो 20 का वन ए टुगेदर फॉर ए सेट फ्यूचर. टुगेदर फॉर ए सेट फ्यूचर. ऑल्सो एक्सप्लेन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स. इससे द बेंजिंग 2022 जो कि ऑर्गेनाइजेशन कमेटी हैज अनाउंस किया था उन्होंने ऑफिशियल जो उनका मोटो था वो था फ्रेंड्स हमारा विंटर ओलंपिक एंड पैरालंपिक एज टुगेदर फॉर ए सेट फ्यूचर. द बेंजिंग 2022 विंटर ओलंपिक शेड्यूल टू टेक प्लेस फ्रॉम फरवरी 4 to 20, 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 20,000 इंटरनेशनल
रन्स, 20,000 रन्स अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, कौन बनी है फ्रेंड्स जिन्होंने 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बना लिया है? सो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 3, मिताली राज। एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं इंडियन वोमेन ओडीआई स्कीपर मिताली राज ऑन 22 सितंबर 2021 जो कि वेंट पास 20,000 रन हैज क्रिकेटिंग इस करियर। मिताली हैड बिकम द हाईएस्ट स्कोर इन द इंटरनेशनल क्रिकेट ड्यूरिंग द टूर ऑफ इंग्लैंड अर्लियर दिस ईयर। मिताली राज ऑन 12 मार्च 2021 बिकम जस्ट द सेकंड वोमेन एंड द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 10,000 रन्स इन इंटरनेशनल ओडीआई जो कि मिताली राज हैज सो फॉर 669 रन इन टेस्ट, 7,336 रन इन ओडीआई एंड ऑल्सो 2,364 रन इन T24 इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसे नोटिस कीजिएगा। मिताली राज हैज सो फॉर जो कि स्कोर किया ना उन्होंने टेस्ट में 669 एंड ऑल्सो ओडीआई में 7,367 एंड T20 में 2,364। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन, दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन, दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। वर्ल्ड हाईएस्ट जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन, कहाँ किया गया फ्रेंड्स? तो वो है हमारे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश में। ऑल्सो एक्सप्लेन, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, द वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन द काजा विलेज ऑफ लहनुल एंड स्प्रिट डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश ऑन सितंबर जो कि 23 सितंबर 2021 को हुआ फ्रेंड्स। द इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इज सेटअप टू द हाइट ऑफ 500 फीट। द एम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू चेक व्हीकल पोजिशन एंड व्हीकल पॉल्यूशन एंड प्रोमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर अ क्लीन एंड ग्रीन एनवायरमेंट इन द रीजन। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज ओन द 2021 IBSF 6 रेड स्नॉकर वर्ल्ड कप, किस खिलाड़ी ने 2021 का IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप जीता है, किस खिलाड़ी ने जीता है फ्रेंड्स? सो वो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 3, पंकज अडवानी। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस इंडियन क्यूटिस पंकज अडवानी डिफेक्टेड बाबर मैनिस ऑफ पाकिस्तान टू क्लिंच द IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप 2021 फाइनल हेल्ड इन दोहा क्वार्टर ऑन सितंबर 21 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज बीन नेम्ड एज द वेन्यू फॉर द FIH हॉकी मेन्स जूनियर वर्ल्ड कप 2021, किस शहर को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के आयोजन स्थल के रूप में नामित किया गया है, किस शहर को FIH हॉकी पुरुष नियोजित में नामित किया गया फ्रेंड्स? तो वो है हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, भुवनेश्वर को। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं, द प्रेस्टिजियस FIH हॉकी मैच जो कि जूनियर वर्ल्ड कप 2021 इज शेड्यूल टू बी द हेल्ड इन भुवनेश्वर उड़ीसा जो कि है फ्रॉम नवंबर 24 टू दिसंबर 5 2021 को होना है फ्रेंड्स। द टूर्नामेंट विल फीचर 16 टीम्स, उसके अकॉर्डिंग होगी जो कि इंडिया, कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, बेल्जियम, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, द नेदरलैंड्स, स्पेन, USA, कनाडा, चाइल एंड अर्जेंटीना। द प्रीवियस एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट वॉज ऑल्सो हेल्ड इन इंडिया जो कि 2016 एट लखनऊ वेयर इंडिया ओन, जिसमें इंडिया ने जीता था द टूर्नामेंट बीटिंग बेल्जियम इन द फाइनल, जो कि जो प्रीवियस टूर्नामेंट हुआ जिसमें फ्रेंड्स इंडिया ने जीता था जो कि लखनऊ में हुआ था, जिसमें उन्होंने हराया था इंडिया ने बेल्जियम को फाइनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज बजू संस्कृति महोत्सव फ्रॉम 26 से 29 सितंबर इन, भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करती है, तो वो फ्रेंड्स है हमारा ऑप्शन नंबर 2, कोलकाता में। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज बिजो संस्कृति महोत्सव फ्रॉम 26 to 29 सितंबर इन कोलकाता। दिस महोत्सव ऑब्जर्व टू मार्क द गोल्डन जुबली ऑफ द इंडियन पाक वॉर 1971। द इवेंट वॉज इनॉग्रेटेड इन द लेफ्टिनेंट जनरल मेजर पैन आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांडर। इंडियन पाक वॉर 1971 स्टार्टेड ऑन 3 दिसंबर 1971 एंड इंडेड कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।